वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सिंह। कैसे आप सब? बढ़िया, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल हम आए हुए हैं इलाहाबाद में खुसरू बाग पे, जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। रेलवे स्टेशन का दो साइड है, एक सिविल लाइन साइड है, एक है चौक साइड। हम इस समय खड़े हैं चौक साइड खुसरू बाग के अंदर। फिलहाल अभी यहाँ पे आए हैं, इसका खुलने का समय है सूर्योदय से लेकर के, और बंद होने का समय है सूर्य अस्त के समय ये बंद हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे आए हुए हैं अभय भैया के साथ, कैमरा के पीछे अभय भैया हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। और चलिए आगे देखते हैं, आपने इसका की प्लान देख लिया है क्या? फिलहाल आके चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। काफी फेमस जगह रही है ये इलाहाबाद की। चलिए देखते हैं अंदर क्या मिलता है आपको। आपको जैसा मुझे दिखेगा वैसा आपको मैं दिखाता चलूंगा। चलिए कुछ खुसरो बाग का इतिहास। इसको पढ़ने के लिए आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसका एक इमेज भी डाल दूंगा आपके लिए, आप उसे आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी है। चलिए अब चलते हैं अंदर। इसे क्या कहेंगे, किला कहेंगे, मकबरा? मकबरा कहेंगे, मकबरा, मकबरा। चलिए भाई मकबरे के अंदर चला जाए। फंस गए, बहुत हार्ड है भाई। शाह बेगम का मकबरा। बाकी जो भी है आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आइए शाह बेगम के मकबरे पर चलें। देखिएगा शाह बेगम का मकबरा ठीक हमारे पीछे। हिंदू रानी का मकबरा, बोलिए। सल्तनत का कोई भी वो नहीं मिलता है, चार खंभों के पिलर पे बनाया गया है। ये क्या रानी हिंदू थी? हाँ। ये आप ये सब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे मकबरे का उस पर डोम बना हुआ है, ऊपर गुंबद बना हुआ है। यही एक ऐसा मकबरा है जहाँ पे आपको गुंबद नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है, ये पूरी हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से जिस मंदिरों में बनाया जाता है, क्योंकि शादी तो हुई थी मुस्लिम से, सलीम यानी जहांगीर, अकबर के बेटे जो जहांगीर हैं,
और जो उनकी बेगम थी वो आमेर के राजा मान सिंह की बेटी थी, क्योंकि शादी के बाद वो भी मुस्लिम हो गए थे, इसलिए उनकी भी मकबरा बना दिया गया है। लेकिन उनके मकबरा में हिंदू रीति रिवाजों को ज़्यादा ध्यान देते हुए, जिस तरह से मुगलों का गुंबदनुमा बनाया जाता है वैसा नहीं, इसमें आपको हिंदुओं की जो झलक है शिल्पकला की वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चौकोर में रहता है, बाकी सब में जो है गोल रहता है, गुंबद रहता है ऊपर, इसमें आपको गुंबद नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहली बार जानने को मिला, ठीक है, हमको जानकारी मिलती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। ओह शेर ज़्यादा आ रहा है अब, ठीक है, हमको जैसे जैसे पता चलता रहेगा आपको भी बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बड़ा सा ताला, यही है, यही है, बाकी तो बंद है। कि आपको हमने बताया कि ये मुसलमानों का मकबरा है मुगलों का, तो आप इसके ऊपर गुंबद देख सकते हैं, और इनके ऊपर देखिए कोई गुंबद नहीं है, यही एक अलग पहचान बनाती है इनकी। निसार बेगम का मकबरा, बाकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके इतना से पढ़िएगा। आगे खड़े हुए हैं जहां से आपको चारों मकबरे दिखाई देंगे, खुसरो जी का पीछे, उनके पीछे एक सबसे लास्ट में। मैं थोड़ा अड्डा कर रहा हूँ, अब बदलता हूँ, अब ठीक है। आपने इसमें देखा है कि चारों मकबरों में पहले इसका खुसरो का है, खुसरो में उतनी रौनक नहीं है, एक एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया, चूंकि इसने अपने पिता से विद्रोह किया था शासन पाने के लिए, और खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था और खुर्रम छोटा बेटा था, राजकाज के दृष्टि से खुर्रम ज़्यादा योग्य था, फिर भी प्यार की वजह से कुछ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से लाडला था, और लोगों ने इसको इसके जो कह सकते हैं कि चाटुकार मंत्री लोगों ने इसे चढ़ाया, और इसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया शासन बनने के लिए, शासा बने, तो जहांगीर ने खुद इसे जो है बंदी बनवा करके इसकी आंखों को फोड़वा दिया था, और बाद में खुर्रम जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हैं, बाद में शासक बना, और अपने भाई को उसने आजीवन बंदी बनाया, उसकी मृत्यु के बाद उसकी ये मकबरा बनाया, क्योंकि शाही घराने से था इसलिए मकबरा बना दिया गया, लेकिन इसके मकबरे में कोई किसी तरह की नक्काशी या कुछ इस तरह का साजो सज्जा कम किया गया, क्योंकि एक राजा की निशानी फॉर्मेलिटी के तौर पे फॉर्मेलिटी पूरी की गई, जो राजा है तो राज घराने से है, उसकी वजह से उसकी बना दिया गया, लेकिन जबकि उसके अपेक्षा पीछे के देखे तो आपकी जो बाकी तीनों है बेगम का, और तीनों बेगमों का जो बना है उसमें काफी अच्छा नक्काशी और काफी खूबसूरती उसमें दिखाई गई है, जो बात के शाहजहां ने अपना किया था। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सीधा सीधा है, जो भी दरवाजे या दिखाता हूँ वो ना कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं ये चारों मकबरों में
किसमें आपको खूबसूरती ज्यादा मिलती है? हमें तो हिंदू रानी का जो है मकबरा वो ज्यादा ही खूबसूरत है, क्योंकि उसमें भारतीय शैली ज्यादा मिक्स हो गई है। हालांकि इसमें बीच वाला भी अच्छा है, बीच वाला भी है। हाँ, जो ये जहांगीर की खुसरो की बहन का कह सकते हैं, शाहजहां की बहन का है, और उसके पीछे खुसरो की बेगम का है, और उसके पीछे किसका था वो देखना पड़ेगा। हाँ, वो आप पहले देख लीजिएगा, पहले आपको दिख गया होगा किसका है। वो किसका है हम लोग माइंड से हो रहा है। हालांकि तीनों में ही काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, और जैसा कि आपको बताया कि इसमें एक मकबरा जो हिंदू रानी का था, मुस्लिम में विवाह होने की वजह से उनका मकबरा बना, तो उसमें हिंदू शैली का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। फिलहाल होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पर उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आपने पूरी वीडियो देखी, सारी इमारतें देखी, आपको उन इमारतों पे जगह जगह कई लोगों के नाम देखने को मिले होंगे। मकबरा किनका है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इमारतों पे अपना नाम लिख के जाते हैं, डैश लव्स डैश, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि वो किन लोग कौन लोग लिखते हैं इस नाम को। फिलहाल मैं इस वीडियो के थ्रू बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें, ये हमारी धरोहरें हैं पुरानी, अभी तक ये सजो के रखी गई हैं हम तक पहुँचाने के लिए, और अगर हम इसी तरीके से उसको ख़राब करते रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन उसे नहीं देख पाएगी। तो बस यही है कि इससे आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इन मकबरों का, इन पुरानी धरोहरों का ध्यान रखें। अगर आपके सामने ऐसा कोई करता हुआ नज़र आता है तो आप उसे रोकें, और जो स्वरूप में है उस स्वरूप को बनाए रहें। जब ये रहेगा तभी तो हम देख पाएंगे, आने वाली जनरेशन भी देख पाएगी। तो बस इसी वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, आप लोग खुसरो के नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमीर खुसरो का नहीं है, ये जहांगीर के बेटे खुसरो का है। जाते जाते बोनस। चलिए ओके देन, सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। इलाहाबाद से निकलते हैं बनारस में, फिर अपनी गलियां ये चौबारा चलिए फिर ओके देन टाटा।